Hello everyone and welcome to the tutorial of economics. So today we are going to discuss Lewis theory of unlimited supply of labor. This is a portion of developmental economics, and in this video we are going to understand the concept of Lewis. According to Lewis, what was the concept of a developed country? How any underdeveloped country can achieve the level of growth? We are going to discuss in this video. सो मज़ेदार होने वाला है एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं जो इस वीडियो में यूज़ होगा या जो इस वीडियो का मेन थीम है. लुइस क्या बताते हैं कि किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर होता है. एक को वो बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यू टू अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मैन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. बात समझिएगा, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे आदमी हैं उस सेक्टर में, जिस कारण से वहाँ पे परेशानी है. किसका परेशानी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक तरह से ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जब एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या है कि सीज़न पे आपका जॉब डिपेंड करेगा कि सीज़न कौन सा सीज़न में आप क्या उगा रहे हो, तो सीज़न पे रेन पे डिपेंड करेगा. तो ये सब एक मसला हो जाता है जिसके इसी को नाम क्या देते हैं, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. तो अब बोलते हैं क्या ये जो अनलिमिटेड, अगर आपको उस कंट्री में उस इकोनॉमी में ग्रोथ लाना है, तो ये जो मेन है, मेन का अनलिमिटेड सप्लाई एग्रीकल्चर सेक्टर में है, आप उसको ट्रांसफ़र करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर दीजिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. लेबर का सप्लाई करना है कहाँ से करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, और यहाँ पे मेरे को इंडस्ट्रियल सेक्टर में करना है. और जैसे ही हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, सप्लाई करेंगे फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी विल ऑल्सो इंक्रीज, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एंड द वेज रेट जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मिल रहा था लेबर का, वो वेज रेट भी बढ़ेगा. तो बेसिकली ये थ्योरी हमें यही बताता है कि कैसे सप्लाई करना और सप्लाई करने के बाद उस इकोनॉमी में क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो लुइस इंट्रोड्यूस अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन हिज बुक इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. और यही इसका खासियत है. आप बहुत सारे बुक का नाम याद करना पड़ेगा, बट आप एक हिंट समझिए कौन सा बुक है, बुक का नाम क्या है. तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, और थ्योरी भी क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. तो आपको बुक का नाम भी आप यहाँ से याद कर सकते हो कि बुक का नाम क्या है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर इज अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर विच कॉजेज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स द लेबर हैविंग द जीरो प्रोडक्टिविटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. इसका मतलब क्या हो गया कि वो लेबर के पास अभी कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बेरोजगार बैठे हुए हैं सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो. This surplus labor should be transferred from agriculture sector to industrial sector. अब मेन मुद्दा पे आते हैं. क्या बोलते हैं कि ये जो surplus labor है agriculture sector में, उसको क्या कीजिए, transfer कर दीजिए. कहाँ पे, तो industrial sector में. And that's why due to transfer of this theory it is called as unlimited supply of labor. और ये जो transfer हम लोग कर रहे हैं इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, तो unlimited supply of labor. चलिए आगे समझते हैं. अब इस थ्योरी का कुछ बेसिक एजम्पशन है, तो पहले एजम्पशन हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बहुत ही सिंपल और मज़ेदार है. पहला चीज़ क्या है कि इन इकोनॉमी देर आर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर का. दूसरा क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली इन दीज कंट्रीज, पॉपुलेशन बहुत तगड़ा गति से बढ़ता है इन सारे कंट्रीज़ में. The labors are generally insufficient due to lack of opportunities. मतलब यहाँ पे लेबर अपना पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं उनको जो करना है, मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज रहते हैं और अपना पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने पूरे पोटेंशियल को. आगे क्या है, द वेज इज कॉन्स्टेंट एंड लो इन दिस कंट्रीज. अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि वेज जो है वो समान रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में और बहुत ही कम रहता है.
When the industrial sector is entered, then the labor are supplied from agriculture sector to industrial sector. जब industrial sector का आप pre-organization होता है तो उसी दरमियान क्या होता है, ऐसा माना जाता है, ये एक तरह से assumption है, समझिए. और आपको सबसे पहले assumption लिखना है, क्योंकि assumption आपको base का काम करेगा, उस पर घर बनाया जाता है. तो सबसे पहले theory को explain करने के दरमियान आप assumption को detail करो, उसको discuss करो. तो यहाँ पे ये सारा assumption है इस theory का. अब further इस theory को discuss करते हैं हम लोग आगे. एक्सप्लानेशन ऑफ द थ्योरी. अब इस थ्योरी का एक्सप्लानेशन पोर्शन पे मूव करते हैं. तो देखिए, हम लोग बहुत चीज़ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी देर आर टू सेक्टर. वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस सेक्टर, जिसको कि क्या बोला जाता है, सब्सिस्टेंस सेक्टर. एंड सेकेंड सेक्टर इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट सेक्टर. इसको क्या बोला जाता है, तो कैपिटलिस्ट सेक्टर बोला जाता है. तो सबसे पहले ये क्या बता दिए कि इकोनॉमी में दो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देयर इज अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर. यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना है बात. क्या बताया जा रहा है कि देयर इज अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर इन सब्सिस्टेंस सेक्टर. मतलब बोलने का मतलब कौन से सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर का सप्लाई ज़्यादा होता है. अब आगे क्या बताया जा रहा है, व्हेन दिस अनलिमिटेड लेबर इज सप्लाइड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब यही सरप्लस लेबर को ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ से कहाँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर, द होल सिनेरियो चेंज, और पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है. सिनेरियो चेंज होने का बोलने का मतलब क्या, वेज रेट भी उनका बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, एक प्रॉस्पेरिटी का रीज़न आएगा जहाँ पे सारे लोगों का इनकम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और सारे लोग खुश होंगे. तो विच कैन बी एक्सप्लेन्ड. और इसी सिनेरियो को अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं. देखिए यहाँ पे डायग्राम है, तो ये एक प्रोडक्शन फंक्शन कर्व बनाया गया है. प्रोडक्शन है जो आइसोकॉन्ट कर्व भी आप बोल सकते हो, जो कि लेबर और वेज के हेल्प से बनाया गया है. यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि अगर पहले L1Q1 प्रोडक्शन हो रहा था, तो अब जैसे ही सप्लाई किया जाएगा लेबर ON1 से ON2, तो प्रोडक्शन भी मेरा बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, L2Q2 हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन. फिर से समझिए बात को, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इनिशियली जब मेरा ON1 लेबर था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तब टोटल प्रोडक्शन जो इकोनॉमी में हो रहा था क्या हो रहा था, तो L1Q1 हो रहा था ये वाला पोर्शन. फिर जैसे ही हम लोग क्या किए, वो इसको ट्रांसफ़र किए, N1 N2 को हम लोग ट्रांसफ़र किए किस सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ के कितना हो गया है, L2Q2 हो गया है. और ट्रांसफ़र करेंगे N2 N3, तो बढ़ के मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा इकोनॉमी में, तो L3Q3 हो रहा है. तो यहाँ पे दो चीज़ गौर करने का बात है. यहाँ पे एक देखिए S लिखा हुआ है, ये वाला, ये S क्या बता रहा है कि जब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था लेबर का, तब का वेज रेट S था, और जैसे ही हम लोग ट्रांसफ़र किए प्रोडक्शन भी बढ़ा, एज वेल एज वेज रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीज विच इज़ कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे वेज रेट भी बढ़ रहा है. इस डायग्राम में आपको दो चीज़ एनालाइज करना है, फिर से समझिए. पहला चीज़ क्या है कि लेबर बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में बढ़ रहा है. और दूसरा चीज़ क्या आपको समझना है कि वेज रेट भी, हम लोग जैसे ही सप्लाई होगा लेबर का, वेज रेट भी बढ़ेगा. तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया हो. और आगे समझते हैं, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन समझते हैं. तो इन द डायग्राम लेबर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस. लेबर कहाँ पे लिया गया है, लेबर का ड्रॉ किया गया है एक्स एक्सिस में. वेज इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. एस इज द अमाउंट ऑफ वेज पेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एस क्या था हमारा, तो जो अमाउंट पे किया जा रहा था लेबर को जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज थे. एंड डब्ल्यू इज द वेज
पेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और W क्या है हमारा, वेज, जो कि पे किया जा रहा है जैसे ही उनका सप्लाई हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो W वेज पे किया जा रहा है। दीज लेबर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड वेज आर ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम S to W। When the industrial sector is expended surplus, लेबर N1 एंड N2, मतलब N1 से N2 जो एक ज़्यादा सरप्लस लेबर था उसको ट्रांसफ़र किए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो देखिए प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा। और प्रोडक्शन क्या हो गया था, L1 Q1 से हमारा प्रोडक्शन बढ़ के क्या हो गया है, L2 Q2। अगेन व्हेन सरप्लस N2 N3, फिर N2 N3 जब सरप्लस ट्रांसफ़र किया गया तो हमारा L2 Q2 से बढ़ के क्या हो जाएगा, L2 L3 Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आई होप इसमें कुछ डाउट है नहीं, आप लोग समझ जाइएगा कि जैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ के पहले L1 Q1 था तो अब L2 Q2 हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा किया जाएगा N2 N3 तो L2 Q2 से बढ़ के क्या हो जाएगा, L3 Q3 हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। तो यही थ्योरी था, इस थ्योरी का बेसिक मोटिव भी था कि कैसे प्रॉस्पेरिटी के रीज़न को गेन किया जाएगा, पहले इनकम बढ़ा दिया जाए तो कैसे इनकम बढ़ाया जाए, तो जो अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर का एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। आगे देखिए इसका क्रिटिसिज्म हम लोग क्या क्या लिखें लिख सकते हैं। पहला क्रिटिसिज्म जो इसका किया गया है कि वेज रेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन द इकोनॉमी, जो एजम्पशन में माना गया, और हमेशा एजम्पशन ही क्रिटिसिज्म का काम करता है क्योंकि आप दायरा एजम्पशन में फिक्स करते हो और क्रिटिसिज्म में वही दायरा को खोलते हो कि ये दायरा हम लोगों ने पहले ही माना था। तो वहाँ पे माने थे वेज रेट इज़ कॉन्स्टेंट, सो वेज रेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन द इकोनॉमी, पहला पॉइंट क्रिटिसिज्म का। लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइज, जैसे हम लोग देखे थे सम पीटर थ्योरी बोलता है कि इनोवेशन, कुछ नया रिस्क लीजिए तब मज़ा आएगा, तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव ही नहीं लिया जाता है। और इंटरप्राइजेस बोलने का मतलब इंटरप्रेन्योर्स को हेल्प ही नहीं किया जाता कुछ अलग करने के लिए। वन साइडेड थ्योरी, दिस इज वन साइडेड थ्योरी बिकॉज लुइस डज नॉट कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो गलत कर दी है। वो सीधे बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ खास प्रॉफिट ही नहीं हो सकता, आप सारे को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ला दीजिए, तो ये एक तरह से वन साइडेड थ्योरी होगी। आप ऐसे तो नहीं बता सकते, ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रॉफिट ही ना हो, तो ये एक तरह से वन साइडेड थ्योरी है। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ नॉट ईजी, जितने आसानी से इस थ्योरी में बता दिया गया कि लेबर का हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वैसा प्रैक्टिकल में करना उतना इजी नहीं है। एंड अगर उनको आदत है वो घर में ही रहेंगे, भले ही उनको कुछ ना हो वो घर में ही रहना पसंद करेंगे। आप उनको बोलिएगा चलिए इंडस्ट्री में हम आपको काम दिलवाएंगे तो घर बार छोड़ के शायद ना जाए। तो यही बताया जा रहा है कि मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एज्यूम्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो, विच इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे भी क्या समझते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर का है वो जीरो है, जो कि क्वाइट वियर्ड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे वो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो निकम्मा एकदम हो कि उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही जीरो हो जाए, तो ऐसा एज्यूम करना थोड़ा सा गलत है। कैपिटल एक्युमुलेशन, ये एक और कंसेप्ट दिए थे कि कैपिटल एक्युमुलेशन ज़रूरी है। अब दूसरे थ्योरी में आप देखिएगा कैपिटल एक्युमुलेशन ज़रूरी है, बट इस थ्योरी में इसका कंसेप्ट हटाया गया, ये हम लोग पॉइंट बढ़ाने के लिए सिर्फ लिखे। तो ये सब है क्रिटिसिज्म इसका, आपको आगे लिखना है तो आप कंक्लूज़न जानबूझ के ऐड कर सकते हो कि हाँ इसका कुछ, और कंक्लूज़न में हमेशा बैलेंस रखने का कोशिश कीजिए कि इसका कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ डिमेरिट है, लूप होल्स हैं, बट इसके बावजूद हम लोग इस थ्योरी को टोटली डिनाई नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस कंक्लूजन देना है। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए चैनल से और ज़रूर कमेंट कीजिए, जो भी पसंद आ रहा है, जो भी खामियां हैं आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।